पक्का आई विल गिव. मैम किस तरीके से देख रहे हैं आज, इतनी बड़ी खुशी हुई है, आप उसके बाद इसको कैसे देखते हैं, क्या किसको श्रेय दें? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोग कहते थे और तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, जात पात फैलाते थे, आज उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है. अपर्णा यादव आज भी अपनी बात पे टिकी हुई है कि हमारा नारा जय श्री राम था और जय श्री राम के साथ ही हम 10 मार्च को सरकार बना रहे हैं. प्रचंड जीत मेरे विश्वास की हुई है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको आत्मसात किया है, हर एक प्रदेश के नागरिक का ध्यान रखा है, मुझे लगता है कि इससे अच्छी सरकार, इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती थी. और जो लोग जो भी कुछ कहते हैं, आज मैं एक ही नारा दूंगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब है भाजपाई. आज कैसे आप देखेंगे, क्या परिवारवाद की वाकई हार हुई है और जो राष्ट्रवाद की बात आती है? देखिए मुझे परिवारवाद हो, चाहे तुष्टिकरण हो, चाहे जात पात हो, चाहे अलगाव की बात हो, जो लोग कहते थे कि जो है उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन लोगों ने कमेंट किया था, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी हों, उनकी भी हार हुई है. तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हर जगह कमल विश्वास का प्रतीक बन करके उभरा है और कमल के साथ साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जीत हुई है. जी, किस तरीके से देखें समाजवादी पार्टी जिनको लग रहा था कि सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ब्लफ करके या ईवीएम की बातें को, देखिए ये सब बातें सरकार में रहते हुए और एक समय तक जब आप जो है इतनी बड़ी पार्टी से होते हैं तो इस तरीके की बात नहीं. देश का विश्वास है ईवीएम, और ईवीएम पे ही सबने बहुत फ्री और फेयर तरीके से वोट कास्ट किया है, और इस तरीके की बात कहना मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है. भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीत हुई है और जीत सुनिश्चित हो चुकी है, डंका बज चुका है. हमने लड़ाई करी हनुमान जी की तरह और हम जीते हैं जय श्री राम की तरह. आत्मंथन करने की जरूरत, बिल्कुल आत्मंथन की जरूरत है. और मैं तो उनको भी जवाब देना चाहती हूँ आज, जिन्होंने अपर्णा यादव पर भी बहुत ज्यादा कटाक्ष करा था कि जो है वो आज क्या कहाँ गए, आज वो सब जो है देखिए ना, देखिए ईश्वर की सत्ता पे और दिव्य सत्ता पर विश्वास रखना चाहिए. हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो काम किया है और जिस मंथन से मोदी जी और योगी जी का विश्वास करके हमने पार्टी चूज करके आगे बढ़ने का काम किया है, हर एक कार्यकर्ता ने बहुत खून पसीना बहाया है अपना, और हम आगे भी सेवा का काम करते रहेंगे. बहुत जी टाइम मिला जब आप जब से लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब क्या आप इसके बाद नेताजी से आशीर्वाद लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी से आशीर्वाद लूँगी मैं, और मैं उनको भी यही बस कहूँगी कि भाई हमारी जीत हुई है, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए. नेता जी ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है, मन से दिया है, हृदय से दिया है, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने ससुर जी का कि उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया. तो अपने ससुर का धन्यवाद भी करते हुए अपर्णा यादव पूरे भगवा रंग में वो नजर आई, और उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रवाद को सोचते हुए आधार बनाते हुए पार्टी का रुख किया और आज उसी की जीत. तो बांदा की चारों सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं. ताजा अपडेट आपको देते, 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर एसपी ने कब्जा जमाया है. तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं. तो लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो यहाँ पर जारी है, और बीजेपी इस वक्त विजय पर्व जो है वो लगातार मनाती हुई, और चारों तरफ जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से धूम जो है जश्न की वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है. तो दोनों ही राज्यों में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी.